ये है मिस तोता की तरफ से। इसपे भी नेम प्लेट है बट नाम नहीं है, पता नहीं सबको नाम लिखने में। ये है तोता की बहन और ये है तोता। मार देंगे इधर आओ। बस है जो कि कुर्ती में खुद से स्टिच की हूँ। खूबसूरत से डिकोर किया यार। मैं ऊपर वाले रूम में आ चुकी हूँ और बहुत गर्मी है यार, बहुत एक्सेस गर्मी। तो ये जो नेम वाला है तो इसको अभी हम लोग लगाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यार, इसमें का जो वाई होता है, हैप्पी बर्थडे वाला जो वाई होता है, वाई फट गया है क्योंकि मैं सुबह में ट्राई कर रही थी किस तरीके से ये फूलेगा, तो जब मैं फुलाई तो पंप से बहुत ज़्यादा हवा भर गया और डिम से ऊपर से फट गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला होता है यार, बहुत एक्सेस पतला होता है ये, तो इसीलिए इसको ना मुँह से ही स्ट्रॉ के थ्रू बस फुलाना होता है। तो अभी मैं इसको फुलाऊँगी और देखती हूँ क्या होता है। लॉकडाउन है तो टी छोड़े तो हो नहीं सकता। कैसा आवाज कर रहा है, फटना नहीं चाहिए यार, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ, ये वाई तो फट गया था। अच्छा कैसे कैसे वो दूसरा वाई है, वाई दूसरा था क्या? हैप्पी में वाई होता है, फटने में तो वाई होता है। हां अभी वो वाला वाई का अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा क्या? ये वाई को यास्मिन और वाई ही फट गया क्या है? तो अब इसको सजाएंगे, हम पूरा डेकोरेट करेंगे, आप हमारे साथ हैं और आप देखेंगे कि हम कैसे डेकोरेट करते हैं। और अभी फिलहाल मेरा हालत बुरा है, फिलहाल तो यूं है कि हम कुछ कह नहीं सकते, बहुत गर्मी है। अभी कोई मेहमान आया नहीं है क्योंकि अभी मतलब पूरा प्रिपेयर हुआ नहीं है। अभी टाइम ही क्या है, 2 बजे का टाइम है। हाँ अभी 2 बजे का टाइम है और अभी 12:30 हो रहा है। गाइस ये देख सकते हो आप लोग, इतना मैं डेकोर कर सकती हूँ, ये सब जंगली के जैसा कर रहे हैं अभी। और वाई जो था जो हमारा फट गया था यार, मुझे लगा था सिर्फ पीछे से फटा है बट वो आगे से ही फटा था, पीछे से ही फटा। ट्रांसपेरेंट टेप मुझे मिल नहीं रहा था, ब्लैक सी में कर दी, जो हो रहा था सो हुआ। क्योंकि वैसे लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 बज चुका है और 1 बजे तक मुझे नहा लेना था। और ये हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बट जब मैं इसको देखी थी तो इसके साथ स्टार भी था, 2-3 स्टार था, बट मुझे स्टार रिसीव नहीं हुआ है। सो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा रिसीव हुआ है। और ये भी मुझे लगा था थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का होगा बट ये छोटा साइज़ में है, उतना ज़्यादा ही बड़ा साइज़ नहीं है। और स्टार नहीं रिसीव हुआ इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि स्टार के साथ मिलेगा। इस तरीके से मैं डोर पर इस तरीके से डेकोर करती हूँ, लाइक लिटरली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये सारा बैलून एक साथ मिक्स है और अभी तक मेरा हालत बहुत डोम के जैसा बना हुआ है। इधर हैप्पी बर्थडे ऑफ, और ये सारा बैलून्स है अभी, तो पता नहीं अभी इसका क्या होगा, लाइक लिटरली अभी कहीं ना कहीं तो इसको डेकोर करना ही है। ये देख सकते हो फाइनल डेकोरेशन। तो अब ये सब ना मेरे भाइयों ने डेकोर किया है सारा का सारा। तो ये फ्लोर पे हम लोगों ने कुछ बलून इस तरीके से छोड़ दिया है और एक पंप, ये पंप ले के जाना है नीचे भी मेरे को। और ये देखो ये उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत से डेकोर किया यार, बहुत मस्त लग रहा है। तो हाँ गाइस आई एम रेडी। तो ये मेरा ड्रेस है जो कि कुर्ती मैं खुद से स्टिच की हूँ और बस फाइनल लुक। ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और तो हाँ अब बस इंतज़ार करते हैं सभी गेस्ट के आने का। सो यप, तो गाइस मेरी 2 फ्रेंड आ चुकी हैं और मैं उन लोगों से आपको मिलवाती हूँ। गाइस ये है तोता की बहन और ये है तोता। मार देंगे इधर आओ। नहीं तुम मेरे पूरे विशेष में म्याओ म्याओ म्याओ, ना अपना नाम लिखी है ना मेरा नाम लिखी है, हर विशेष में म्याओ म्याओ। तुम भी तुमको बचपन से तोता बोलते, तोता क्या? मेरी कुछ फ्रेंड्स लोग आ चुकी हैं और बस सब आ ही रही है, तो मैं आप लोग को सबसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सो मीट ऑल माई फ्रेंड्स। तो यहाँ कुछ है, कुछ अभी नहीं आई है, कुछ आ रही है। से हाय, आ जाओ। हाय वो ग्लास है यार, तो पहले वो ग्लास है, हाय बिजी टेबल पे जाके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो आज हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे, अभी और फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैं सबसे आपको मिलाती हूँ। बड़े जिला तो अपना के तू कमरिया गली गली बढ़िया मारते मारते आप दिल भर लगाना। आई लेकिन बच्चा पकी है। हां इतना पाउडर कर लगा देते दिल में, जाहिर है इतना रोड़ा हम तो आते भी ना, दिल भर लगा देते।
जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। आपस में तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में मंतिशा सोफा पे बैठो बाबू, टेबल पे नहीं। बॉबी बस बाबू आतिको आओ केक काटना मेरे साथ। से आई उस्मा जा रहे हैं और सभी के गिफ्ट्स ओपन करने का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। तो वो जितने गिफ्ट्स हैं वो सब पीछे मिले हैं, तो वन बाय वन हम लोग सब ओपन करते हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, जितने भी गिफ्ट्स मुझे मिले हैं ना सब में नेम प्लेट तो है बट किसी में नाम नहीं लिखा हुआ है। और इतना ज़्यादा गैदरिंग था, इतने ज़्यादा लोग थे ना कि क्या बोलूँ मैं, मुझे भी याद नहीं था किसने किसने क्या क्या दिया है। तो ये है इफ्रा की तरफ से, let's see what it is. oh wow, ये बहुत प्यारा सा कॉफी मग है। तो थैंक यू इफ्रा, थैंक यू सो मच। ये मेरे भाई की तरफ से गिफ्ट है, बड़े भाई की तरफ से। let's see, जिंदगी में पहली बार उसने गिफ्ट दिया है, क्या क्या हो सकता है, guess what, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है बट मेरे ख्याल से इसमें चॉकलेट होगा। आई होप इसमें चॉकलेट ही होगा, मतलब आई गेस तो मेरा गेस ही सही निकला। मेरा सेकंड गिफ्ट ये था। अब हम लोग अपने आगे गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है गाइस, ये हमारा नेक्स्ट गिफ्ट है जो उज़्मा है, जो मेरे व्लॉग में अक्सर आती है, ये उसके तरफ से। तो इसको फाड़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। मेरे ख्याल से कोई शोपीस है। यार कौन क्या गिफ्ट दिया, मैं इतनी ज़्यादा हम लोग बिजी थे ना कि हम लोग को दिख ही नहीं रहा था। इसमें से भी कॉफ़ी मग का सेट मिला, ये एक्चुअल ये हाँ ये पूरा का पूरा सेट है। ये कॉफ़ी मग रहा, ये स्पून रहा और ऊपर में ना छोटा सा ये प्लेट है, प्लेट टाइप है। तो ये शो के लिए है, अच्छा लगता है इस तरीके से अगर नॉर्मली डेकोर करके रखा जाए। तो इसको भी मैं खोलने का देख रही हूँ कैसे खुलेगा, मेरे ख्याल से ऐसे ही खुलेगा। हाँ ऊपर से खुलेगा कैप बना करके। ये कैसे निकलेगा, हाँ सब सेलो टेप से स्टिक किया हुआ है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस उज़्मा। अब हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मेरा ये है, अरे पता है मैक्सिमम गिफ्ट्स ना मेरे पिंक रैपर से ही रैप्ड हैं
सभी के सभी गिफ्ट पिंक रैपर से ही रैप हैं। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, सुबह से ही मैं बोल रही गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ शो पीस है, कुछ फ्रेम टाइप का है, कुछ वैसे ही मुझे लग रहा है। ओह वाह, अरे यार इतनी अच्छी चीज़ को मैं, अरे यार सो ऑसम। मम्मी इधर आइए। सबसे प्रीटीएस्ट गिफ्ट, यार ऐसे गिफ्ट सब प्रीटी होता है बट दिस वन इज ऑसम। ये रजिया अपनी तरफ से, अच्छा अपने नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। तो अब ये हम लोग देखते हैं ये क्या है। यार वो गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, उसे मैं अपने रूम में लगा सकती हूँ आराम से। इसको भी अच्छे से हम लोग फाड़ते हैं। बचपन में ना, बचपन में जब छोटे हुआ करते थे तब ना गिफ्ट का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हुआ करता था कि हाँ गिफ्ट है, गिफ्ट है। अब भी अच्छा लगता है यार। अरे अरे पैकिंग कराने के लिए सब कितने प्यार से जाते होंगे ना, और जो गिफ्ट खोलता है वो कितने कुत्ते ऐसा खोलता है ना, जैसे मुझे ही देखते। लेट्स सी इसमें क्या, मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ फ्रेम टाइप का ही कुछ है। यार गर्मी इतनी ज़्यादा, पता है मैं ना गलत टाइम पर ना अपना हेयर स्ट्रेट करा ली हूँ। इसमें भी कुछ फ्रेम टाइप का ही है। क्या है यार ये, हाँ सो या ये फ़ोटो फ्रेम है, ये भी बहुत प्यारा है। तो ऐसे मैं अपने रूम में फ़ोटोज़ नहीं रखती हूँ, मैंने इस साइड में भी फ़ोटो का डेकोर किया था, डेकोरेशन किया था, तो मैं फ़ोटो हटा दी थी, बट फिर भी ये सही है। कुछ मैं सीनरी वगैरह इस पर लगा सकती हूँ, अपने फ़ोटो पर अगर नहीं भी लगाती हूँ तो कुछ भी सीनरी लगा करके रख सकती हूँ। नेक्स्ट अपने दूसरे गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको भी कट करते हैं। फाइनली मैं सीज़र उठा ही ली हूँ अपने हाथ में। ये क्लच है, इसको टच करने से लग रहा था कि हाँ ये क्लच है, और ये बहुत अच्छा क्लच है, बट ये बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स ऑसम। यार इसमें दो कम पार्ट्स हैं, जो कि दो कम पार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। गाइज नेक्स्ट हम अपने दूसरे गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग देख सकते हो जितना भी गिफ्ट हम लोग पा रहे हैं सबका कलर ऑलमोस्ट, ओह वाओ सेम कलर का स्टॉल है पहले से मेरे पास, और सेम डिज़ाइन का भी है स्टॉल मेरे पास। कोई नहीं, सेम हो गया, चलो ये भी अच्छा है। लेकिन सेम कलर सेम डिज़ाइन मेरे पास दो स्टॉल्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, तो ये भी बहुत अच्छा है। अब अपने नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। और तीन गिफ्ट अभी और बाकी नहीं, एक और गिफ्ट है, मुझे एक और गिफ्ट मिला है छोटे छोटे बच्चों की तरफ से। तो ये इयरिंग है, बहुत अच्छा इयरिंग है। सो नेक्स्ट है फिर से मेरे को ये मिला है, तो ये पैकिंग का तो मैं इसको फाड़ दी हूँ, लाइक लिटरली चॉकलेट हो गए, और वैसे भी मेरे अंदर फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये है मिस तोता की तरफ से, इस पर भी नेम प्लेट है बट नाम नहीं है, पता नहीं सबको नाम लिखने में क्या दिक्कत होता है। इसको भी हम लोग फाड़ते हैं। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। यार इतना पैकिंग रहता है ना, फिर बॉक्स को भी कट करो। अभी और निकलती हूँ, लेट्स सी इसमें क्या है। ओह वाओ ये है शो पीस, लेकिन इस पर ये स्टैचू है यार, इसको लाइक मैं ना इस तरीके की स्टैचू वाली चीज़ें जल्दी अपने रूम में रखती नहीं हूँ, मुझे बहुत पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है सबसे। और लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है शो पीस के लिए, रखूँगी मैं इसे अपने घर में बट अपने रूम में नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि वैसे ही मुझे रात में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए पिक्चर्स वगैरह, स्टैचू, टेडी बियर, बारबी, ये सब कुछ भी मैं अपने रूम में नहीं रखती हूँ, लेकिन यहाँ ये गिफ्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं ये क्या है, लेट्स सी ये क्या है, ये क्या है।
चीज़ है, ये है सेल्फ मेरे ख्याल से है। हाँ, और ये तीन सेल्फ, तीन लेयर वाला सेल्फ है, और बट ये लगेगा किस तरीके से। हाँ, यहाँ यहाँ पीस के काटे नहीं हुए ये हम लोग, बट ये ना इस तरीके से कोना में ही लगेगा कि हाँ इस तरीके से कोना में लगेगा कि दोनों तरफ से लग सके। तो देखते हैं कौन से रूम में, जो मैं वो DIY सेल्फ बनाई उस पर दिया रखती हूँ, उसके जाके तो मैं इसको रख बना ही सकती हूँ, उससे बेहतर है ये। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। लेकिन इसका नट कहाँ है? इसके साथ इसका नट देना चाहिए था ना? नहीं, बॉक्स में, बॉक्स में नट नहीं है, स्क्रू से लगते हैं ना, इसको फिक्स कराना पड़ेगा खुद से ही खुलवा करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन मेरे दिन को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए, और इतने ज़्यादा मेमोरी के लिए, इतने ज़्यादा इन्जॉयमेंट मोमेंट के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर विशेज, लॉट्स ऑफ लव। नेक्स्ट व्लॉग में फिर होगी हमारी आपको मुलाकात। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।